और भाई क्या हाल है? आज संडे है और मैं और विकास हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। और दरअसल मेरे गले में थोड़ा यहाँ पे दुख भी रहा है, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को भी दिखा दूँ और ये अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम किस तरीके का है, यहाँ पे कैसे मेडिकल चेकअप्स होते हैं, क्लिनिक्स में जाके वगैरह, वो भी थोड़ा एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। ज़्यादा सीरियस नहीं है तो कुछ मेजर तो होगा नहीं, बट जो भी होगा, भले ही छोटी मोटी ऐसी कोई भी अगर इश्यूज हो जाते हैं तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फ्री है। आपके आपके पास यहाँ पे, जैसे अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो तो ओहिप का कार्ड एक मिलता है, जो हेल्थ कार्ड रहता है, हर एक प्रोविंस का रहता है। और वो उसका भी एक तरीका है मिलने का, अगर मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो। बट एनी वे, उसके बेसिस पे आपको फ्री में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, बड़े से बड़े ऑपरेशंस भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट में हो सकते हैं। तो ये तो फिर भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, होपफुली ये ज़्यादा इतना लोड ना दे। तो देखते हैं अभी कैसे होता है, चलो फिर। अच्छा विकास, तू डॉक्टर के पास गया है यहाँ पे पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वैक्सीन लिया था तो वो कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? वो ऐसा कुछ ये नहीं लगा, बट बस नॉर्मल, जैसे अपन यूजुअली शॉट्स लेते हैं। ओके, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बट ये मत डालना तू कट। पहला स्टॉप डाल रहा हूँ एज यूजुअल, छोटी मोटी चीज़ें के लिए। क्या ले रहा है विकास तू? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट, काफ़ी प्यार है तुझे पौधों से? तो दरअसल हम दोनों सोच रहे हैं कि रूम के लिए एक अच्छा सा कोई प्लांट वगैरह रखे, थोड़ा अच्छा लाइवली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे डॉल ड्रामा में ऐसे मिलते हैं 175 के, एंड ऐसे होल होता है उसमें, तो ये एक चीज़ ले सकते हैं उसके लिए, एज अ प्लेट रखने के लिए। तो उसके साथ जाने वाला है? दैट वाज नॉट गुड। ओके, सो या देखते हैं अभी। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे कौन सा लूँ, क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में है कि टमाटर उगाना शुरू करूँ। बहुत महंगे हो गए स्टोर में। 3 महीने का इन्वेस्टमेंट है। वो मुझे कुछ आता नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, बाय द वे। तो एक्सपेरिमेंटिंग बेसिस पे चल रहा है सब कुछ, जो चलेगा देखते हैं। अगर उगे तो उगे, नहीं उगे तो देख लेंगे आगे। हाँ, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मुझे काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके, वो रिटेन नहीं कर पाएगा पानी। तू अमाउंट कम डालना पानी की। जब मैं यहाँ पे आया, पहले तो उन्होंने मेरा, मेरे से एक फॉर्म भरवाया। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी थी कि कोई मेडिकल इशू वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने कोविड टेस्ट किया था, जो यहाँ पे मैंडेटरी है। और अभी मैं वेटिंग में बैठा हूँ डॉक्टर को देखने के लिए, देखते क्या होता है। तो आपके लिए, आपको अगर यहाँ पे डॉक्टर को देखना, आपको हेल्थ कार्ड की बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड के बिना मुझे नहीं पता अगर देख सकते हैं कि नहीं, बट अगर देख भी पाते होंगे तो आपको पैसे बहुत लगते हैं उस चीज़ के। सो वो चीज़ ध्यान में रखना है। जब आप स्टूडेंट रहते हो तभी आपके पास यूनिवर्सिटी का हेल्थ कार्ड होता है, और उसके बाद गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड इशू करती है। मेरा वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया, अभी मैं यहाँ पे डॉक्टर के लिए वेट कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये रूम है, यहाँ पे
डॉक्टर आएंगे और पूछताछ होगी वगैरह वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी क्या होता है। बाय द वे, हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आते हो तो शायद प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। हालांकि मेरा वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा था, अराउंड 1-1.5 घंटे का था, क्योंकि मैं विदाउट नो अपॉइंटमेंट वहाँ पे गया था। सो काइंड ऑफ लाइक एमरजेंसी, ऑल्दो कुछ केसेस में इमरजेंसीज़ अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हो उनमें वेटिंग पीरियड और भी ज़्यादा है, बट वो प्रायोरिटी बेसिस पे भी होती है, ऐसे मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट नेवरदलेस अपॉइंटमेंट लेके अगर आप आते हो तो ईजीली जल्दी हो जाएगा। दूसरी एक और बात कि यहाँ पर स्पेशली ये पेन सेंटर में जो जिस क्लिनिक में मैं आया हूँ यहाँ पे संडे को अपॉइंटमेंट नहीं है, बाकी हर दिन है। और यूजुअली अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको इतने पीरियड की छुट्टी मिल जाती है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। सो देखते हैं अभी डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। बस अभी शॉपिंग वगैरह ख़त्म हो गई हम लोग की और अभी क्लिनिक से भी बाहर निकला। जब मैं वो डॉक्टर के रूम में बैठा था वहाँ अलग 20 मिनट मुझे रुकना पड़ा और विकास मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था कि कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। ऑब्वियसली कोई भी इरिटेट हो जाएगा इतना देर वेट करने की वजह से। बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेके अगर आप जाते हो तो शायद चीज़ें जल्दी हो जाए और इतना वेट नहीं करना पड़े। मुझे ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा होगा विकास, अप्रोक्स एक अंदाज से? नहीं 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 पूरा पूरा, अगर शॉपिंग नहीं करनी होती हम लोग को तो कितना टाइम? 2.5 आवर्स, राइट? हाँ, तो हालांकि हम लोग फिर भी शॉपिंग करने के इरादे से आए थे, उसके वजह से थोड़ा कंपनसेट हो गया, बट इन अराउंड 2-2.5 घंटे पकड़ लीजिए। पता नहीं, मतलब मेरा अनयूजुअल केस हो सकता है, यूजुअली लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, बट नेवरदलेस एनीवे हम लोग की बस आ रही है। सो ये था एक्सपीरियंस मेरा यहाँ की मेडिकल सिस्टम के साथ। सो एनीवे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आराम से कर लेना जब भी मन करे, तब तक के लिए चलो बाय।